कल की गिरावट के बाद आज मार्केट को फिर से गैप के साथ ओपन होने का मौका मिला और उसने गैप अप किया है। आज बाजार ने 18,700 के ऊपर फिर से आज निफ्टी की ओपनिंग हुई और बैंक निफ्टी ने अपने जो डैमेज है काफी तक उसको कंट्रोल करने की आज कोशिश कर रहा है। 43,500 के ऊपर आके वो भी ट्रेड कर रहा है। कुल मिला के कल का मार्केट का सेशन अलग है, आज की ओपनिंग ऑल टुगेदर अलग है। फटाफट से चेक कर लेते हैं कि वायदा बाजार के अंदर कहां पे आज ताजा खरीदारी होती दिख रही है। ध्यान इस चीज का भी रखना होगा कि करीब 7-8 शेयर ऐसे हैं जो एफएंड बैंक के अंदर भी चल रहे हैं। अगर आप उसमें कोई पोजीशंस लेंगे और उसको कैरी करके जाएंगे तो पेनल्टी लगेगी। हाँ, इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। अब आते हैं कहां पे ताजा खरीदारी हो रही है, वो शेयरों की सूची में आपको बताता हूँ। आज खुलते ही ओरेकल फाइनेंस के अंदर अच्छी खरीदारी हुई। ये शेयर करीब 2% है। इसका ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है लेकिन आज शुरुआत में 2% से ज्यादा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आज कोई डेलिबरेटली इसको खरीद रहा है, कोई खरीद इसकी जानकारी इसके पास है। HDFC, AMC, अशोक लीलैंड हमने आपको एक दो दिन पहले बताया था वायदा बाजार के एक सेगमेंट के अंदर कि शेयर अच्छा चल सकता है, अच्छा चल भी रहा है और आज एक रिपोर्ट भी आई है इसको लेकर जो कि इसको 200 रुपए तक का टारगेट दे रही है। डॉक्टर रेड्डीज के अंदर अच्छी खरीदारी हुई है। कल हमने आपको इन्वेस्टर्स के लिए एक शेयर बताया था कि अगर किसी को फार्मास्यूटिकल्स का एक शेयर लेके रखना जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी बेहतर है, उसमें डॉक्टर रेड्डीज का नाम अव्वल नंबर आता है। आज उसके अंदर भी ताजा खरीदारी हो रही है। क्रॉम्पटन, MCXS शेयर्स भी आज आपको चलते हुए दिख रहे हैं। फटाफट से चेक कर लेते हैं शॉर्ट कवरिंग कहां पर है। शॉर्ट कवरिंग अमूमन आपको मेटल काउंटर्स में ही दिखेगी। हिंडाल्को उसमें से एक है। एक दो दिन पहले ये चले, फिर कल टूट गए लेकिन आज फिर से इनमें पुल बैक आया है, तो मेटल के स्टॉक्स ध्यान रखने वाले हैं। इसके अलावा IDFC फर्स्ट, ओबेरॉय रियलिटी, नौकरी जैसे शेयर्स हैं जहां पर आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। अब आते हैं आज के वीक काउंटर्स यानी कि आज के बिल्डअप कहां पे है शॉर्ट्स का, यानी कि आज जो उसको बेचा जा रहा है। गोदरेज कंज्यूमर्स के अंदर आज बिकवाली हुई है, शेयर काफी अच्छा चला। FMCG का इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा प्रेशर वापस आया प्रॉफिट बुकिंग का। TCS टूट रहा है, थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग का प्रेशर है और दूसरा ये बैंक वर्सेस IT चलते हैं तो थोड़ा बहुत बैंकिंग के अंदर वापस आज जो पुल बैक है कि IT को ऊपर ही नहीं आने दे रहा और इसके अंदर बता रहे हैं कि इनफ्लोज भी निकलेंगे। भारतीय एयरटेल भी आज करीब नीचे है 1% के आसपास। बजाज ऑटो, REC और टाटा हीरो मोटोकॉर्प इन सब की भी आज जो ओपनिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है और यहाँ पे शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं शुरुआत में। आज अनवाइंडिंग का प्रेशर दिख रहा है पिरामिल एंटरप्राइजेस पर, PFC पर और BPCL पर, तो इन शेयरों पे फिलहाल थोड़ा दूर रहे। अनवाइंडिंग का प्रेशर खत्म होने के बाद ही इसमें से आप उतर के सामने आ सकते हैं। तो ये था आज के वायदा बाजार का हाल।